हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पेंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो पेंटिंग कई प्रकार की होती हैं। ये हमारी एम्बॉस पेंटिंग है, तो आज मैं आपको एम्बॉस पेंटिंग और रिमझिम पेंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस पेंटिंग में हमें कलर मिलते हैं और पेंटिंग होती है, ब्रश होते हैं। पेंटिंग जो होती है वो बनी बनाई होती है, सिर्फ हमें कलर ही करना होता है। पेंटिंग दो साइज़ की आती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो ये हमारी 130 रुपये की है। कलर हमें इस टाइप के मिलते हैं, इन्हीं से हमें कलर करना होता है। ये हमारी बड़ी पेंटिंग है, इनको हम कलर कर चुके हैं। और अब छोटी पेंटिंग दिखाते हैं। ये हमारी छोटी पेंटिंग है। पेंटिंग आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे मानव चित्रण के लिए या कोई सीनरी वगैरह ले, जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। और ये हमारी राधा कृष्ण की है। ये सरस्वती माता की है। और ये बाल गोपाल की है। और ये दुर्गा जी की है। तो ये हमारी एम्बॉस पेंटिंग हो गई। अब हम रिमझिम पेंटिंग दिखाएंगे कैसी होती है। तो ये हमारी रिमझिम पेंटिंग है। इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है, स्पार्कर बहुत ज़्यादा लगा होता है, इसलिए इसको रिमझिम पेंटिंग बोलते हैं। ये भी पेंटिंग बनी हुई होती है, सिर्फ कलर ही करना होता है। तो अगर आपको पेंटिंग सीखना है तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।